मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए पहले चरण में हुए मतदान के नतीजे आ चुके हैं। जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत कई नगर निगम में कब्जा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने ऐसी 2 सीटें जीत ली जिसके बाद बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। बता दें कि कांग्रेस ने ग्वालियर और जबलपुर इन 2 सीटों पर कब्जा किया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता भाजपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सराहनीय व साहसी प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई। भाजपा सरकार के चौतरफा हमलों, धन बल के बावजूद आपकी जी तोड़ मेहनत ने नगर निगम ग्वालियर में 57 साल के बाद, वहीं जबलपुर में 23 साल के बाद कांग्रेस का झंडा गाड़कर इतिहास रच दिया। इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, ग्वालियर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सिकरवार की प्रचंड जीत हुई है। 57 साल बाद ग्वालियर में कांग्रेस 2023 के लिए आने लगा जनादेश। तो वहीं जबलपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू की प्रचंड जीत हुई है। बताते चले कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 11 नगर निगमों में 7 में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने ग्वालियर, जबलपुर और कमलनाथ के गृह जिले की नगर निगम में कब्जा किया है। देर रात चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से पार्टी के जीत का श्रेय दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।